वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए टमेटो सूप की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। जी हाँ, तो अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के कारण, तो अभी हम घर बैठे ही रेस्टोरेंट जैसे टमेटो सूप का मज़ा उठा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट सा सूप। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूँ 20 ग्राम बटर, 1/4 को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 तेज पत्ता, 6-7 हम इसमें डालेंगे 6-7 काली मिर्च के दाने। हल्का सा स्टर करेंगे इसको हम। फिर अब डाल देंगे 4-5 लहसुन की मोटी कलियां क्रश करके और 1 इंच अदरक उसको छोटा छोटा काट कर। और इसको हल्का सा भुनेंगे और फिर डालेंगे 1 प्याज, छोटा सा 1 प्याज रफली स्लाइस कर लिया है मैंने। हल्का सा भुनना है इसे। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे रफली काट कर। और अब इसमें डाल दूंगी मैं 5-6 बड़े टमाटर जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब एक अच्छी सी मिक्स की बारी। अच्छी तरह से टमाटर मिला लेने के बाद थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी भी। फिर से मिलाएंगे। अब इस टमाटर को जो है हमें अच्छी तरह से गला लेना है, पर गलाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इसको ढकेंगे नहीं, हम इसको बिना ढके ही सॉफ्ट कर लेंगे एकदम। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको एक मैशर की हेल्प से या एक किसी भी स्पैटुला की हेल्प से, आप इसको चम्मच की हेल्प से या मैशर की हेल्प से किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे। और इसको हम बिना ढके ही करेंगे ताकि इसका जो ये लाल रंग है वो मेंटेन रहे, हल्का ना पड़े, इसलिए हम इसको खोल कर ही गलाएंगे टमाटर को। ये देखिए इस तरह से हम इसको मैश करते करते पका सकते हैं। जब हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे इस तरह से, ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं, तो हम इसको एक छन्ने में डाल के छान लेंगे। ऐसा पकने में इसको करीब 15 मिनट लगेंगे। फिर हम एक बर्तन में इसको एक पैन में छान लिए और अब इसको 1.5 कप उबले हुए पानी, एकदम उबलते हुए गर्म पानी में मिलाकर हम गैस पे फ्लेम में चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच भर के टमेटो केचप। इसको एक स्टर करेंगे
और अब इसमें उबाल आने देंगे अच्छी तरह से। तब तक इसको उबलने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। मुझे ये ऐसे ही पसंद है, आप अगर बहुत ज्यादा थिक पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जो है वो घोल कर उतने ही पानी में मिला सकते हैं। तो हो गई हमारी ये सूप सर्व करने को बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद जरूर आएगा, जरूर ट्राई करें, बहुत आसान है और बहुत ही चटपटा, टेस्टी और डिलिशियस लगता है ये टमेटो सूप। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें अनस क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।